हिंदी को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच छिड़ी बहस अब थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है या नहीं, तो इसे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। हिंदी दर्शकों के बीच इन दिनों साउथ फिल्मों और स्टार्स के लिए काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई साउथ कलाकारों को हिंदी फिल्मों और हिंदी स्टार्स को साउथ की फिल्मों में भी देखा जाने लगा है। हालांकि इसी बीच अब भाषा को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और साउथ सुपर विलन किच्चा सुदीप में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये हंगामा किच्चा सुदीप के एक इंटरव्यू से शुरू हुआ है, जिसमे किच्चा ने कहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। अब उनके इस बयान ने तूल पकड़ लिया है और अजय देवगन भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए किच्चा सुदीप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अजय ने किच्चा सुदीप के बयान पर करारा जवाब देते हुए लिखा, भाई अगर आपके अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा में बनी फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं? हिंदी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। उन्होंने इसके साथ किच्चा को टैग भी किया है, जिसके बाद किच्चा सुदीप ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। लेकिन अब ये बयान बड़े विवाद में तब्दील होता जा रहा है। अब इस विवाद में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी भी उतर आए हैं। कुमार स्वामी ने ट्वीट कर अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने अजय को उनकी पहली फिल्म की भी याद दिलाई है। उनके साथ कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने भी अजय के बयान का जवाब दिया है। HD कुमार स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अजय देवगन को ये महसूस करना चाहिए कि कन्नड़ सिनेमा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पछाड़ रहा है। कन्नड़ियों के ही प्रोत्साहन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है। देवगन को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे बेंगलुरु में 1 साल तक चली थी। वहीं उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा, एक्टर किच्चा सुदीप का ये कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बिल्कुल सही है। उनके बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अजय देवगन ना सिर्फ हाइपर नेचर के हैं बल्कि अपना हास्यास्पद व्यवहार भी दिखाते रहते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने अजय देवगन के पोस्ट पर कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना कभी होगी। हमारे देश की भाषा की विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सभी भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। इस विवाद में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा, किच्चा सुदीप सर, इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि नॉर्थ स्टार साउथ के स्टार्स के सामने असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक कन्नड़ डबिंग फिल्म KGF ने अपने ओपनिंग डे में 50 करोड़ की कमाई की थी। हम लोग आने वाली हिंदी फिल्मों के ओपनिंग डे के बिजनेस को भी देख लेंगे। अब सोशल मीडिया पर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ यूजर्स अजय देवगन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ किच्चा सुदीप के समर्थन में उतर रहे हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।